हाय मीन्स आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। इंस्टेंट राजमा चावल है, मीन्स आपको में वाला नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ 15 मिनट में आप ये रेसिपी रेडी करते हैं। राजमा का जो आप उबाल के बॉइल करके और राजमा को भिगो के जो टेस्ट पाते हैं, सेम टेस्ट आपको एक इंस्टेंट राजमा की रेसिपी में मिलेगा। तो मेक श्योर ये रेसिपी को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों आज की जिस पर हमें राजमा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो देख रहे हैं आप कितना डिलीशियस और कितना टेस्टी बना है। आप भी इसको ऐसे बना सकते हैं और ज्यादा किसी एफर्ट के साथ और बिल्कुल बेसिक जो मसाले हैं आपके घर में, जो देसी मसाले, कोई राजमा मसाला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम राजमा लिया, उसको मैंने 4 घंटे भिगो के रख दिया था पानी में, 4 से 5 घंटे इनको अच्छे से भिगो दीजिए। अगर थोड़ा सा आपको चलिए और इनको आप रात भर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। मैंने इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा, थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था, उसे भिगो दिया और 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छे से पानी में धो लिया। इसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम 2 से 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे और फिर उसमें हम एक तेज पत्ता ऐड करेंगे और 6 से 7 काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको 15 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ये सब स्प्लिट नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे फटाफट से। तो आप देखिए बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाया लेकिन टेस्ट एक नंबर का है, आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए। और आप चाहें बाकी होता है थोड़ा सा इलाका लौंग भी ऐड कर दीजिए और ऐड कर। इसके बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने इसमें ऐड किया 1/2 चम्मच, जिससे सब्जी में थोड़ा सा कलर आ जाता है, तो जो सब्जी देखने में अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली खाने में भी अच्छी लगेगी। तो उसको फिर लो फ्लेम पे ऐड करना है लाल मिर्च को। देन मैंने 4 बारीक प्याज काट लिया था उसको ऐड किया है और इसको जैसे आप नॉर्मल सब्जी में भूनते हैं सेम एज इट इज आपको आपको फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा ट्रांसलेंट हो जाए और इन सब चीजों को अच्छे से हमें कर लेना। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि मीडियम फ्लेम की चीजें अच्छे से पक जाती हैं और जल्दी नहीं है, फ्लेवर उसका मेंटेन रहता है। तो चिड़ियापड़ा जैसे ही प्याज हमारा ट्रांसलेंट हो जाएगा देन हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक और गार्लिक लहसुन की मात्रा थोड़ी सी हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि राजमा में लहसुन थोड़ा ज्यादा पड़ता है और उसको टेस्ट और अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप बारीक मैंने गार्लिक को चॉप कर लिया था उसको ऐड कर। मैंने कोई मसाला नहीं, जिससे कोई भी ग्रेवी नहीं रेडी करी, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिंपल सी बिल्कुल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जैसे मैं ग्रेजुअली बनाती हूँ और बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। बस एक अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहिए होगा तो मैंने राजमा मसाला कहीं नहीं ऐड किया, आप उसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको खट्टा बनिए तो खटाई पाउडर, खटाई पाउडर में डाल सकते हैं, आपका शांति डाल सकते हैं। तो चलिए अभी सारी जो हमने लहसुन और प्याज था जिसे भून लिया है तो अब इसमें ऐड करेंगे 2 इंच अदरक को मैंने अच्छे से बारीक काट लिया था उसको ऐड करेंगे फटाफट से। चलिए हमने इसमें अदरक भी ऐड कर दिया, इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक लहसुन और प्याज के साथ भूनेंगे। अगर जल्दी भून जाती है तो उसको बाद में ऐड करेंगे। अब उसमें हरी मिर्च, अगर आप मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट के ऐड किया, अगर आप इसे ज्यादा नहीं खाते हैं तो उसको वाइट कलर से बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे तो इसका भी जो हरी मिर्च का फ्लेवर आता है, टेंडी टेस्ट आता है, बहुत फिल जाता है। तो ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। मैंने देसी टमाटर यूज किए, अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए होगी तो ग्रेवी वाले जो हाइब्रिड टमाटर आते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टमाटर यूज करके बारीक बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। इन सारी चीजों को अच्छे से हम भून लेंगे, भूनने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, नो डाउट 8 से 10 मिनट तक आपको ग्रेवी पकाने में टाइम लग जाता है। तो अगर हमें टमाटर और प्याज और लहसुन सब जल्दी जल्दी से पीसना है तो या भूनना है सारी, तो हमें इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से क्या होता है, प्याज टमाटर वगैरह जल्दी से भून जाते हैं और आपका टाइम जो होता है वो कम लगता है आपको। तो ये एक ट्रिक मान लीजिए, आप कुकिंग का एक हैक मान लीजिए, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको नमक ऐड करने से फटाफट भून जाते हैं, तेल थोड़ा जल्दी छोड़ देता है कि। तो अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर वगैरह ये सब खड़े खड़े से दिख रहे हैं, तो हम एक मैशर लेंगे, इसको हम मैश करेंगे तो ग्रेवी थोड़ा सा डाल भारी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ना हमें अभी राजमे उबाले हैं, हमारे राजमे को सब्जी की तरह बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच, मसाले ऐड कर देंगे 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, देन 1/2 चम्मच हम इसमें आपका लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। जो ऑलरेडी हम हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं, तीखापन अच्छे से आ चुका है, ठीक है। तो इन सब चीजों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे।
इनका ये वो मिला नहीं गया, सारे मसाले मिलाने के बाद सब पका पक गया, आप देख रहे धीरे से छूट गया। ये हरी मिर्च मैंने इसलिए डाल दी है क्योंकि थोड़ा सा लुक आ गया, टेक्स्चर आता है ना सब्जी का जब आप उसको सर्व करिए वगैरह, तो ये हरी मिर्च ऊपर से रखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ये यूट्यूब कहीं से सीखी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। और इसके अंदर को मैशर इस तरीके से इसको मैश कर देंगे फटाफट से, आप देख रहे हैं कि जो इसके टुकड़े थे बारीक हो गए हैं, तो ये पक गया है और इस तरीके से क्रश कर देंगे इसको, तो ग्रेवी जारी हो जाएगी थोड़ा सा, और जितना मैदा भी अगर नहीं पके हुए ना तो और जल्दी पक जाएंगे, तो इसी तरह से कर देने में सही रहता है थोड़ा सा। अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप टमाटर को ढक के पका दीजिए और उसके बाद चम्मच से ही फोड़ दीजिए, फूट जाता है आसानी से। ये हो गया ना ग्रेवी गाड़ी आपकी, बिल्कुल टमाटर और जैसे आप बारी बारी पीसते हैं थोड़ा सा रसी है उसको ग्राइंड करते हुए कितना आपकी ग्रेवी गाड़ी होगी, तो आप देखिए बिल्कुल सब मसाले बिल्कुल सब पक गए हैं, भुने हैं अच्छे से भूने हैं, फिर इसमें फटाफट हम अपने राजमा ऐड करते हैं। राजमा को मैंने बॉइल नहीं किया था, जब मैंने डायरेक्ट राजमा ऐसे ही ऐड किया है, लेकिन हाँ इतनी सीटी आपको आपको सीटी लगानी पड़ती है, बिना आप इतनी सीटी लगा राजमा आपको गलेगा नहीं तो खाने में फ्लेवर नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा 8-9 सीटी आराम से लगानी है, इससे कम तो लगानी ही नहीं है। तो अच्छे से मिला लेते हैं इसमें, कंसिस्टेंसी अपने अनुसार आप रखिए। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छे से मिक्स होंगे, आप इसमें ऐड कर देते हैं पानी, पानी को हम राजमा के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ठीक, डायरेक्ट हमने बिना उबला हुआ राजमा ऐड किया है, तो पानी थोड़ा कम रखेंगे, ज्यादा रख देंगे तो अभी उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे हम 2 चम्मच, हमने 2 चम्मच ऐड कर दिया गरम मसाला और 1 चम्मच जीरा पाउडर। मैं इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, तो फटाफट से ऐड कर देते हैं इसमें पानी हम। हमने 1.5 ग्लास के आसपास पानी ऐड किया है, आपको चला के दिखा देते हैं कंसिस्टेंसी भी सही है। और अगर आपके कुकर में पानी वगैरह नहीं निकलता है तो स्टीम मोड में ही पानी रह जाएगा, तो इस तरह मुझे नहीं ऐड करने की जरूरत पड़ती। अगर आपको और ज्यादा लगता है तो आप ऐड कर दीजिए। नमक ऐड पर टेस्ट का करीब, तो ऑलरेडी हम पहले प्याज और लहसुन और टमाटर को भूनने के टाइम इसको ऐड कर चुके थे, तो नमक को पीस आप ऐड करिएगा, अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब लगा दीजिए इसमें ढक्कन और एक बार सीटी को कर लेते हैं चेक, तो फटाफट से लगाते हैं इसमें 8-9 सीटी। फिर मैं बात से सीटी लगने उसके बाद मैंने खोल के चेक किया, चले कर लेते हैं अभी इसको खोल के चेक, प्रेशर निकल गया कम्प्लीटली, ठंडा भी हो गया, तो आप बोलेंगे वाओ कितना डिलीशियस, और फिर इसके बाद हमारा रेडी हो गया। अब एक आपको फोड़ के दिखा देते हैं, जरा मैं थोड़ा सा लेकिन आपको फिर भी फोड़ के दिखा देते हैं, आप चाहे तो अगेन मैसेज कर दो कि कितनी आसानी से फूट रहा है। तो है ना फटाफट वाली रेसिपी, लाइक आए अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी रिव्यूज हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं सॉरी बस कमेंट बॉक्स में कमेंट देखिए, हमें एप्रिशिएट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, एंजॉय दिस रेसिपी, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बाय बाय दोस्तों।